अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सो हाय गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, आज जो है मैं मौजूद हूँ हसन अदील के दस्तरखान पर, जिसका स्लोगन है किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा। लोकेशन मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी, दोबारा बताता चलूँ, मेन तारिक रोड पर रावी सेंटर वाली जो स्ट्रीट कहलाती है, मैंने स्ट्रीट उसी में ही ये दस्तरखान जगह लगाया जाता है। ग्रैंड इफ्तारी का प्रोग्राम था, जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज का जो रोज़ा इफ्तार हुआ है वो 27th रोज़ा था, जिसकी इफ्तारी जो है आज जो है वो मुकम्मल हुई है। तो यहाँ पर ग्रैंड इफ्तारी का प्रोग्राम था, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज हुआ हुआ है। मैं पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, बस थोड़ी सी माजरत यूँ करूँगा कि मैं थोड़ा लेट पहुँच गया था। उसकी वजह यह है कि मुझे अनएक्सपेक्टेड ट्रैफिक जो है वो बीच में मिल गया था, जो कि मेरा बिल्कुल भी मतलब मुझे लगा था कि वहाँ ट्रैफिक नहीं होगा, लेकिन एक्सपेक्टेड ट्रैफिक था। तो आप जानते हैं कि कराची में रहने वाले लोगों को या और भी सिटीज़ में जो है ट्रैफिक का सामना ऐसे पीक टाइम पे करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि ये टाइम पीक होता है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूरी कोशिश की इस चीज़ को कवर अप करने की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको लाजमी अच्छी लगी होगी। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हसन अदील की वालदा, इससे पहले भी हम यहाँ इनका इंटरव्यू करके जा चुके हैं। मैम, आखिरी अशरा चल रहा है और बिल्कुल लास्ट डे है, ये आप लोगों की खुश नसीबी है कि अल्लाह ताला आपको जो है ये शर्फ देते हैं कि अपने बंदों को भेजते हैं और आप उनकी मेहमान नवाजी करते हैं, और ये दिन अब ख़त्म होने जा रहे हैं, तो कैसा फील होगा इसके बाद और अभी क्या कहेंगे आप? बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि हम जो है मतलब दिली दर्द है मुझे कि हम रमज़ान को अलविदा कह रहे हैं। मुझे अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मेरे घर में एक ऐसा बेटा अता किया जिससे उसने इतने प्यारे प्यारे काम ले रहा है, और ऐसा नहीं कि मैं उसको इस काम के लिए ज़बरदस्ती कर रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि हसन ये काम खुद अपने दिल से कर रहा है, खुशी से कर रहा है। दस्तरखान पे आने के लिए उसको कोई मजबूरी नहीं है, उसको कोई प्रेशर नहीं करता, वो अपनी खुशी से आता है। मेरे अल्लाह मेरे मालिक का करोड़ों शुक्र है कि उसने हमें ये चौथा साल भी दिया, माशाल्लाह पूरा रमज़ान हमने कम्प्लीट अल्हम्दुलिल्लाह करने जा रहे हैं। आज 27वां रोज़ा है, बड़ा इफ्तार है, ग्रैंड इफ्तार है यहाँ पे। अल्लाह ताला आप सब से दुआ हसन के लिए बहुत सारी दुआ करें, इंशाल्लाह अगले आने वाले सालों में हसन इससे बड़े बड़े दस्तरखान अरेंज। अच्छा, लास्ट टाइम हम आए थे, हमने हसन से बात की थी, हसन ने बताया था कि इन फ्यूचर जो है इनका रोजगार प्रोग्राम पे काम करने का इरादा है, तो हम क्या प्रोजेक्ट देखेंगे? मेरी ख्वाहिश है कि हसन पहले अपनी स्टडीज कम्प्लीट करें और फिर इसके बाद खुद से कोई ऐसा इनिशिएटिव नया ले जिसमें रोजगार और एजुकेशन दोनों शामिल हो इंशाल्लाह। अच्छा हसन, हम आपको देख रहे हैं कि दिन रात जो है माशाल्लाह से आप मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, और तकरीबन ऑलमोस्ट रमज़ान एंड होने जा रहा है, कोई थकन वकन महसूस हुई? देखिए, थकन महसूस नहीं होती, पता भी नहीं चलता दिन कैसे गुजर जाता है। दिलो जान दिलो रात लगाते हैं अपनी कि बस इस काम को जो है वो कामयाब कर दें। और देखिए, हम नहीं चाहते किसी के भी बंदे पे जो है वो किसी के भी बंदे के चेहरे के ऊपर जो है वो शिकन, हम चाहते हैं कि वो बंदा यहाँ से खुश होकर जाए। हम उसको ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ से खुश होकर जाए, क्योंकि देखिए मुल्की हालात ऐसे हो गए हैं कि हर बंदे के हालात हमारे घर में भी जो है ना बहुत मुश्किल आते हैं। अगर आप बाहर राशन लेने जाते हैं तो आप जो है वो सोच समझ के लेते हैं कि यार मैं ज़्यादा नहीं ले लूँ, वरना मेरा महीने का जो जेब खर्च है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा महीना गुजारना मेरे लिए। तो बस कोशिश कर रहे हैं इस काम को लेके चलने की, हर बंदे को खुश रखें यहाँ पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि देखिए, जब आप इतने बड़े काम को लेके चल रहे हो तो थकावट महसूस नहीं। अच्छा हसन, माशाल्लाह से ये आपको एजाज़ हासिल है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी एशिया के जो है सबसे कम उम्र सोशल वर्कर हैं आप, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको अभी तक कोई ऐसा इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है कि आपको कोई ऐसा सितारा इम्तियाज या कुछ ऐसा दिया गया? देखिए, मैंने ऐसे वर्ल्ड वाइड इंटरव्यूज भी दिए जिसमें उन्होंने कहा कि आप दुनिया भर के, ना सिर्फ पाकिस्तान, ना सिर्फ कराची, ना सिर्फ एशिया, बल्कि दुनिया भर के जो है वो आप यंगेस्ट सोशल एक्टिविस्ट हैं, मगर गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा अवार्ड कुछ भी अभी तक नहीं हुआ, टिल नाउ नहीं हुआ। आवाम के लिए क्या मैसेज है? आवाम के लिए मैसेज देंगे कि देखें, लोग जो है बहुत मुश्किल में, ज़्यादा आगे बढ़ें, कतरे कतरे से दरिया बनता है, अपने चौकीदार अपने घर के गार्ड से शुरू करें, इंशाल्लाह एक बार फिर से हम सब मिलके इस मुल्क को एक रोशन पाकिस्तान दोबारा बनाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये भाई, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? सर मोहम्मद अली। अच्छा मोहम्मद अली, बड़े जबरदस्त और फास्ट एंड फास्ट बड़े खूबसूरत तरीके से, क्या चीज़ है ये बताएंगे जरा इस बारे में? ये तुर्किश कबाब है। अच्छा, क्या क्या मिला हुआ इसमें? बनाया जाता है ये सर चिकन है, प्योर चिकन, चीज वगैरह, ब्लैक व्हाइट, ग्रीन चिल्ली, चाइनीज सॉस, ये वो चीज होती है इसके अंदर, और ये बहुत लजीज होता है। पिछले साल भी हम लोग आए थे आपकी खिदमत में यहाँ पे, तो इस साल भी इन लोगों ने हमें जो है ना बुलाया कि बोला भाई आप लोगों ने अच्छा करा था सिस्टम,
तो इस बार भी आए हैं। अच्छा, ये बताएं अभी जो आप इसमें लगा रहे हैं, इसके बाद इसको इसको उसपे रखा जाएगा, क्या कहते हैं उसको? जी, अभी इसको हम फिलहाल इधर रखेंगे कोयले पे। अभी हमारी अंगीठियां फुल है माशाल्लाह, आपके सामने आप दिखाएं आगे पीछे। हाँ, हर तरफ अंगीठियां जो है वो फुल हुई हुई है, तो ये यहाँ पे रखा जा रहा है। जैसी अंगीठी खाली होगी, ये जो है ये भी जो है वो तुर्किश कबाब है जी सर, ये भी तुर्किश कबाब है, सारा टोटली तुर्किश है आज। अच्छा, आपको कितना टाइम हो गया ये काम करते हुए? सर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल हो गए। माशाल्लाह, जबरदस्त। तो यहाँ आप देख सकते हैं सीख कबाब किस तरीके से माशाल्लाह तैयार किए जा रहे हैं। ये सारे सीख कबाब भी देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ पर। और ये देखिए, आप मैं आपको दिखाता चलूँ, ये सारे लाइन से जो है ना, वो सारे सीख कबाब जो है ना वो लाइन से यहाँ पर रखे गए हैं, उसके बाद वो सारे वहाँ रखे जा रहे हैं, और वो सीख कबाब इसके अंदर से जो है ना निकाल निकाल के वो सीख जो वो जो रॉड होती वो वहाँ रख रहा है, और सीख कबाब जो है वो यहाँ रखे जा रहे हैं इस तरीके से, इसके ऊपर रखे जा रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इसका पूरा आई थिंक मसाला, ये इसका मसाला तैयार किया जा रहा है। नहीं, सीख कबाब का ना? नहीं, ये कौन सा कबाब है? तुर्किश कबाब। तुर्किश कबाब, अच्छा इसमें क्या क्या मिला हुआ है, कुछ पता है? सब कुछ मिला हुआ यार, रेसिपी पूरी सही है भाई, सब कुछ मिला हुआ भाई बता रहे हैं। और यह है तुर्किश कबाब, इस वक्त तुर्किश कबाब का मसाला तैयार किया जा रहा है। और यहाँ देखे तो माशाल्लाह से सारी इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त करके यहाँ पर लगाई हुई है, सजाई हुई है। अगर यहाँ पर चलें तो हम यहाँ पर भी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत करके ये पूरे तुर्किश कबाब का जो है ना मसाला यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और उसके बाद इसको यहाँ पर किस तरीके से यानी ये देखिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इस वक्त यहाँ पर भी ये तैयार हो रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 6:32 जो है ना वो हुए जा रहे हैं, और इस वक्त अभी भी देखिए 6:50 पर जो है ना वो इफ्तारी होगी। तो अभी जो है 6:32 हो रहे हैं, अभी भी इफ्तारी में काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो लोगों का रश जो है वो बढ़ता जाएगा, मैं आपको साथ साथ दिखाता रहूँगा। अच्छा, यहाँ पर जूसेज वगैरह का जो सिस्टम है वो भी तैयार किया जा रहा है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वॉलंटियर्स इनके जग रखे जा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जग भरते हैं फिर आगे लोगों तक पहुँचाया जाता है। अभी जग भरे कहाँ से जाते हैं, इसका सिस्टम कहाँ से शुरू होता है, ये मैं आपको दिखाता चलूँ। अच्छा जी, यहाँ यहाँ से जो है वो जग वगैरह भरे जा रहे हैं, देखिए बर्फ़ वगैरह बीच में डाल के इसको बिल्कुल ठंडा किया जा रहा है, और इस तरीके से जग यहाँ से भरे जाते हैं, और वहाँ जो जगह मैंने आपको बताई थी वहाँ रखे जाते हैं, वहाँ से फिर लोगों तक, आवाम तक, जहाँ पे लोग बैठे हैं वहाँ तक जग पहुँचाए जाते हैं, पानी की बोतलें वगैरह पहुँचाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कूलर वगैरह रखे हुए हैं, पूरा यहाँ पर पानी का बंदोबस्त किया हुआ है, जूस का पूरा बंदोबस्त किया हुआ है, बर्फ़ डाल के इसको मुसलसल ठंडा किया जा रहा है, ताकि किसी भी पीने वाले को जूस जो है वो गर्म ना लगे और ठंडा पानी, ठंडा जूस मिल पी के सुकून मिले। अच्छा जी, यहाँ पर देखिए अभी भी ये तुर्किश कबाब जो है इनका सिलसिला जो है अभी भी जारी है, अभी भी वॉलंटियर्स इनके लगे हुए हैं, सारी चीज़ें तैयार कर रहे हैं, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी हम आपको कतार दर कतार चीज़ें दिखाते रहें। सर ये तुर्किश कबाब आपकी खिदमत में आगे कर रहे हैं। हाँ जी, क्या कर रहे हो? तुर्किश कबाब है सर ये। जबरदस्त भाई, क्या देखो के लिए माशाल्लाह इनकी, आप लोगों के लिए। माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़ी स्पीड है आपकी यार। जी भाई, अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है, और आप लोगों की दुआएं चाहिए। ठीक है, करीब करना। तो भाई माशाल्लाह ये देख सकते हैं, ये भी अली भाई हैं, हम भी अली भाई हैं, इनकी क्या स्पीड है देख सकते हैं, सारे सिवा किस तरीके से तसला था तसले फटाफट, ये तसला गर्म थाल जो है फौरन का फौरन भरा जा रहा है, देख सकते हैं। डालो डालो, खड़ा करो, ये देखें सर, एक मिनट सर दिखाएंगे, हाँ आप दिखाएं, क्या बात है, क्या बात है, लाइव चल रहा है, लाइव लाइव चल रहा है। एक्सक्यूज मी, प्लीज टेक योर साइड एंड रेडी रेडी। अच्छा जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं कबाब वगैरह माशाल्लाह से सीख कबाब जो है उनका पूरा से एहतमाम किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको बता दूँ, ये जो चावल हैं इनके ऊपर जो है सीख कबाब जो है वो रखे जा रहे हैं माशाल्लाह से, ये देखें, और उसके ऊपर ये मेरे ख्याल से जो है चटनी, ये क्या डाल रहे ऊपर, चटनी है, चटनी है भाई, ऊपर जो डाली जा रही है वो इस वक्त चटनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देग भी माशाल्लाह से जो है यहाँ पर आ चुकी है, देगें वगैरह कैसे लाइन से रखी हुई है। आज जैसे आपको पता है 27वीं शब का रोज़ा इफ्तार है, ग्रैंड इफ्तारी का जो है यहाँ पर पूरा अहतमाम किया गया है। आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स किस तरीके से कतार दर कतार सारे ताल तसले जो है उन्होंने लगाए हुए हैं, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ। Thank you.
अच्छा जी जनाब, तो यहाँ आप देखें अभी भी लोगों की लाइन जो है वो चल रही है, कतार दर कतार लोग आ रहे हैं। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पर लोगों का हजूम कितना ज़्यादा है, यहाँ पर लोग लाइन दर लाइन बैठे हुए हैं, हर तरफ जो है अभी इफ्तारी, जैसे आपको पता है 10 मिनट ऑलमोस्ट रह गए हैं, अभी मैंने बताया कि 10 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में, तो कभी भी रोज़ा जो है वह इफ्तार हो सकता है। इस वक्त इफ्तारी के इकदाम अगर आप देखें तो इनके वॉलंटियर्स, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ तो आप देखें इनके वॉलंटियर्स अभी भी हर चीज़ जो है वो इन लोगों तक पहुँचाने में मसरूफ़ हैं, हर जगह हर लाइन में। ये देखें यहाँ पर जूसेज वगैरह जो हैं इन तक पहुँचाए जा रहे हैं, अगर आप देखें वहां पर वॉलंटियर्स जो है वो खाना वगैरह पहुंचा रहे हैं, जूसेस वगैरह अभी भी यहां पर जो है वो आते ही जा रहे हैं। तो लोगों का जो रश है, लोगों का जो अभी जो शुरुआत है वो, सॉरी, लोगों का जो आना जाना है अभी भी वो चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं वॉलंटियर्स अभी भी लोगों की लाइन के बिल्कुल बीच में हर तरह से खाना वगैरह हर चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं। अगर आप मेरे साथ देखते रहें, ये देखें लोगों का रश, वहाँ देखें वॉलंटियर्स अभी भी लोगों तक खाना वगैरह पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। बिरयानी हो गई, चावल के अंदर जो तुर्किश कबाब हो गए, जूसेस हो गए, हर चीज़ उन तक जो है वो पहुंचाई जा रही है। अच्छा जनाब, अगर अभी मैं आपको टाइम बताता चलूँ तो अभी जो टाइम हो रहा है इस वक्त 6:46 हो रहे हैं, यानी 4 मिनट गालिबन हमारे पास रह गए हैं इफ्तारी को शुरू होने में। अभी इस वक्त क्या कंडीशन है आप देख सकते हैं कि वॉलंटियर्स अभी भी कतार दर कतार लोगों के बीच में खाना पानी जूसेस हर चीज़ है वो सर्व की जा रही है। और अगर आप देखें लोगों का रश, क्योंकि आज आप जानते हैं जैसे 27वीं शब का जो है वो इफ्तारी है, इस वक्त लोग जो हैं यहाँ पर ग्रैंड इफ्तारी जो है वो करने आए हुए हैं, और वॉलंटियर्स इनके माशाल्लाह से जो है हर चीज़ उन तक पहुँचाई जा रहे हैं। अगर हम आगे चलें तो आगे आप देख सकते हैं कि जो किचन का इनका एरिया है जहाँ पर खाना तैयार किया जा रहा है, वहाँ अभी भी टर्किश कबाब का जो हिसाब किताब है वो अभी भी चल रहा है। और अगर उसके आगे की बात करें, तो वहाँ पर भी जो चावल और बिरयानी, चावलों का जो सिस्टम है वो अभी भी चल रहा है। लोगों का रश, लोगों का हजूम बढ़ता ही जा रहा है, आप जैसे देख सकते हैं, क्योंकि वक्त जो है वो अभी करीब है। और यहाँ पर देखिए अभी भी ये कोयले जलाने वाला सिस्टम जो है ये अभी चल रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखते चलें तो किस तरीके से ये अभी भी चीज़ें जो हैं वो तैयार की जा रही हैं। तो यहाँ पर सारा जितना भी है वो लड़कियों की इफ्तारी का बंदोबस्त जो है यहाँ पर किया गया है, वहाँ अगर आप देखें तो सारा मर्दों के लिए यानी जेंट्स के लिए इफ्तारी का प्रोग्राम, यानी कि सारे लोग जो हैं वहाँ पर, मर्द को वहाँ बिठाया गया है और लेडीज़ को, फीमेल्स को और उनके साथ जो है भी छोटी बच्चियाँ हैं उनको यहाँ बिठाया गया, ताकि किसी भी तरह से कोई इशू ना हो, इनकी प्राइवेसी का, इनकी सिक्योरिटी का हर तरीके से ख्याल, भरपूर तरीके से ख्याल जो है वो रखा गया है। अगर आप देखें तो हमारे पास इफ्तारी में सिर्फ 1 मिनट जो है वो बाकी रह गया है, क्योंकि पाकिस्तान कराची के टाइम के मुताबिक, इफ्तारी जो है वो 6:50 पर जो होती है। अगर हम देखें तो 6:50 मुकम्मल होने में सिर्फ 1 मिनट जो है, ये देखें वॉलंटियर्स अभी भी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो लोग साइड पर बैठे हुए हैं उन तक जो है वो पहुँचाई जा रही है इफ्तारी। अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इफ्तारी जो है 6:50 पर होती है, तो अभी सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट जो है वो बाकी रहता है इफ्तारी शुरू होने में। तो साथ जुड़े रहें, रोज़ा कभी भी इफ्तार हो सकता है। अच्छा, मैंने माइक के अंदर नॉइस कैंसिलेशन ऑन की हुई है, जिसकी वजह से बाहर जो इस वक्त नाते वगैरह चल रही हैं उनकी आवाज़ ना आए, कहीं कॉपीराइट स्ट्राइक का इशू बन जाएगा, तो इसीलिए नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऑन है इस वक्त। तो दूसरी चीज़ मैं ये बताता चलूँ कि अगर इफ्तारी की जो आवाज़ आती है या साउंड होता है, जो उसका सायरन बजता है, तो उसकी आवाज़ जो है वो माइक में आई थिंक शो नहीं कैप्चर कर पाएगा, लेकिन जैसी ही आवाज़ आएगी मैं खुद जो है आपको बता दूंगा कि रोज़ा जो है वो इफ्तार हो गया है। क्या
अच्छा जनाब, रोज़ा जो है वो इफ्तार हो चुका है। आप देख सकते हैं कुछ लोग दुआएं मांग रहे हैं, कुछ लोग जो है वो इफ्तारी कर रहे हैं, कुछ लोग खजूर खा रहे हैं, कुछ लोग जो हैं बिरयानी खा रहे हैं, कुछ लोग सीख कबाब यानी टर्किश कबाब जो है खा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खा रहे हैं, पी रहे हैं और अपना रोज़ा जो है वो इफ्तार कर रहे हैं। रोज़ा हमारा भी है, हम भी इफ्तार करेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रा सी एक वीडियो शूट कर लें, उसके बाद लाजमी हम भी रोज़ा इफ्तार करेंगे। तो अभी आप जो मनाजिर देख रहे हैं इस वक्त, ये रोज़ा इफ्तार होने के बाद के मनाजिर हैं। रोज़ा इफ्तार हुए हुए इस वक्त एक मिनट मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ ही सेकंड्स हुए हैं और लोग अभी भी जो हैं वो रोज़ा खोल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। तो अब हम भी जाते हैं, रोज़ा खोलते हैं और इंशाल्लाह फिर आगे के जो भी मनाजर होंगे वो आपके साथ हम शेयर लाजमी करेंगे। तो भाई साहब, खजूर हमें मिल गई है, अभी रोज़ा खुल के एक से दो मिनट हो चुके हैं, लेकिन अब हम रोज़ा खोलेंगे। ठीक है, चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी जनाब, अभी खजूर मुँह में ही, लेकिन रोज़ा खुल गया। ठीक है, अभी ये मनाजर आप देख सकते हैं, वॉलंटियर्स अभी भी बिजी हैं, अभी भी लोगों तक चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं और अभी हमने रोज़ा खोला है। चार जोड़े रहे, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की मैंने। वीडियो को देखें, आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम, तो मैं वैसा देखें आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करते हैं हम। ठीक है, ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं, इतने दूर दूर सफ़र करते हैं और रोज़ा भी कभी कभार जो है वो लेट खुल जाता है, कभी कभार हमारी सहरी रह जाती है, कभी रोज़ा जो है वो रोड पे इफ्तार हो रहा है, कभी जो सहरी है वो रोड पे इफ्तार हो रही होती है। तो बस आपसे दरख्वास्त यही है कि काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, वीडियो को लाजमी शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम भी इतनी एफर्ट करते हैं, मैनेज करते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। भाई तो ये हम सारे जितने भी मीडिया यूट्यूबर आए हुए थे, उन सब के लिए पूरा बड़ा ज़बरदस्त करके उन्होंने बंदोबस्त किया। और यहाँ पर आप अगर आप देखें तो खाना, जूसेस, हर चीज़ हम तक जो है वो पहुँचा दी गई है। अच्छा जनाब, तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने क्योंकि असल में मैं थोड़ा लेट यूँ पहुंचा था कि ट्रैफिक मुझे कुरंगी की तरफ ट्रैफिक कुछ ज़्यादा मिल गया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पहुंचते पहुंचते काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, वरना मेरा इरादा था कि मैं टाइम से पहले पहुंचूं ताकि काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो मैं कवर अप करने की कोशिश करूँ। लेकिन जैसे कि आप सब वाकिफ़ हैं कुरंगी के, कराची के पूरे ट्रैफिक के हालात से, कि कितना ट्रैफिक एकदम जैम हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है ट्रैफिक जैम में से निकलना, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की जितना जल्दी हो सकता है पहुँचूँ। और आपको पता है कि तारिक रोड थोड़ा सा दूर पड़ता है मुझे, फिर भी मैं खासूस आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने कवर अप की थी। तो इसमें मैंने दिखाया कि किस तरह से तुर्किश कबाब वगैरह का हिसाब किताब बनाया है, चावलों के ऊपर जो है वो कबाब रखे गए हैं, जूसेस वगैरह, और इनके वॉलंटियर्स माशाल्लाह किस तरीके से एक्टिव हैं, लड़कों के किस तरीके से जगह वगैरह बनाई है जहाँ हर तरह की चीज़ें जो है वो उन तक जगह पर पहुँचाई गई, बहुत ज़बरदस्त करके इनका जो है ना वो इफ्तारी का एहतमाम था। 27वीं इफ्तारी थी, बहुत ग्रैंड इफ्तारी थी ये, और काफ़ी ज़बरदस्त करके जो है वो प्रोग्राम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था। इनके वॉलंटियर्स, सिक्योरिटी ऑफिसर्स, हर चीज़ बड़े तरतील से, बड़े ज़बरदस्त करके एक्टिव हुए थे, हर चीज़ उनकी जगहों पर पहुँचाई जा रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और उन तक भी वॉलंटियर्स जो हैं वो अपना जो है खाना वगैरह, जो भी फूड वगैरह वो पहुंचा रहे हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और मिलते हैं हम किसी नई अच्छी सी वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।